नमस्कार, प्रभास की किनलेसी रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे कच्चे आम का अचार, जो सभी को बहुत पसंद है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। प्रभास की किनलेसी रेसिपी को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आम को मैंने काट लिया है और इसे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से आप अपने मनपसंद आकार में इसे काट सकते हैं। और मैंने इसे धो करके रख लिया है। आप चाहे तो इसे घर में काट सकते हैं और बाजार में भी इसे कटवा सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा हो उस हिसाब से आप आम को काट लीजिए। अब हम इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे, ये हमने छोटा चम्मच लिया है। इससे हम 2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। ये मैंने 2 किलो कच्चा आम लिया है, तो मैंने 2 छोटे चम्मच इसके अंदर हल्दी डाल दिया है। अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे, 2 चम्मच इसके अंदर हम नमक डाल देंगे। अब इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इसे हमें 4 से 5 घंटे के लिए हल्दी और नमक मिला करके और ढक करके रख देना है, या फिर इसे ओवरनाइट आप रख दीजिए तो अच्छी तरीके से ये सॉफ्ट हो जाएगा और इसके अंदर से जो पानी होगा वो निकल जाएगा। तो इसे हम अच्छी तरीके से पहले मिला लेते हैं। अब इसे हम ढक करके 4 से 5 घंटे के लिए रख देते हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। मैंने 4 से 5 घंटे के लिए आम के टुकड़ों के अंदर नमक और हल्दी मिला करके रख दिया था और इसे हम चेक करेंगे। और आप देख सकते हैं इसमें से काफ़ी पानी निकला हुआ है, तो इसे हमें बाहर निकाल लेना है। आम के टुकड़ों को अलग से निकाल लेंगे। मैंने पानी के अंदर से आम के टुकड़ों को एक प्लेट में निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। और जो इसका पानी निकला है इसे हम आम के अंदर नहीं डालेंगे, इसका हम भूत करके आटे में पराठा बना सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं या फिर सब्जी भी इसकी बना सकते हैं, टेस्टी लगती है इसकी। तो इस पानी को हम रख देंगे। और जो हमारे पास ये आम है, मैंने जो इसको निकाल के रखा है, इसे हमें धूप में 2 घंटे के लिए सूखने के लिए डालना है। तो हम एक साफ कपड़े पर इसे सूखने के लिए डाल देते हैं, फिर 2 घंटे बाद हम अचार बनाएंगे। तो जब तक आम हमारा सूख रहा है तब तक हम अचार के लिए मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं हमें मसालों में क्या क्या चाहिए। तो हमने 1 चम्मच कलौजी लिया है, ऑनियन सीड्स, 4 चम्मच हमने खड़ी धनिया लिया है, 2 छोटा चम्मच हमने मेथी दाना लिया है, 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 4 चम्मच हमने पीली सरसों लिया है, अगर आपके पास पीली सरसों नहीं है तो आप काली भी ले सकते हैं, 4 चम्मच हमने सौंफ लिया है, 2 बड़े चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये लाल मिर्च पाउडर हमने घर पे बनाया है, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर है, नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे, 1 चम्मच हमने हींग लिया है और 250 ग्राम हमने सरसों का तेल लिया है। तो जो हमारे पास ये खड़े मसाले हैं इन्हें हमें हल्का सा भून कर पीसना है। तो इसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दिया है और गैस को मैंने ऑन कर दिया है। अब हम इसके अंदर धनिया डाल देंगे और इसके साथ ही इसमें सौंफ भी डाल देंगे और इसे धीमी आंच पर हल्का सा ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। धनिया और सौंफ हमारी भुन चुकी है, आप सुन सकते हैं इसमें से चिटचिट की आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं और इसमें से अच्छी खुशबू आने लगी है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई के अंदर कलौजी डाल देंगे, इसे हल्का सा भून लेंगे। बस इसे बहुत हल्का सा हमें भूनना है, सिर्फ 10 सेकेंड के लिए, और इसे भी निकाल लेंगे। अब कढ़ाई के अंदर हम मेथी दाना डालेंगे और इसे भी हम 10 सेकेंड के लिए ही भूनेंगे, ज़्यादा देर हमें नहीं भूनना है। और इसे भी हम निकाल लेंगे प्लेट में और अब इसके अंदर हम पीली सरसों डालेंगे, इसे भी हमें बहुत हल्का सा भूनना है, ज़्यादा देर नहीं भूनना है। और इसके साथ ही इसमें ये हींग पाउडर भी डाल देंगे, हल्का से भी भून जाएगा तो अच्छी खुशबू आने लगती है, इसे भी भून लेंगे और इसे भी हम प्लेट में निकाल देंगे। अब हम वापस कढ़ाई को गैस पर रखेंगे और इसके अंदर जितना भी तेल हमें डालना है कढ़ाई में डालेंगे। इसे हमें अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है, जब तक इसमें धुआं नहीं उठने लगता है हमें तेल को गर्म कर लेना है, इससे अचार हमारा ख़राब नहीं होता है। तो तेल को हम गरम करके और इसे ठंडा कर लेंगे। तो जब तक तेल हमारा गरम हो रहा है हम एक मिक्सर जार के अंदर ये सारे मसाले पीस लेते हैं।
और मसाला हमारा अच्छी तरीके से पीस कर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। और तेल भी हमारा गर्म हो गया है, इसमें से धुआं उठने लगा है, तो ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और तेल को ठंडा होने देंगे। आम हमारा सूख चुका है, मैंने इसे 2 घंटे के लिए धूप में डाल दिया था और ये अच्छी तरीके से सूख गया है, पानी इसका अच्छी तरीके से सूख गया है। आम को हमें नहीं सुखाना है, इसका पानी सुखाना है। अब हम अचार बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने जो तेल गर्म करके रखा था वो ठंडा हो चुका है और इसे हम आम के अचार में डाल देंगे। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये मसाले जो मैंने पीस कर रखे थे वो भी इसके अंदर हम डाल देंगे। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे, पहले भी नमक मैंने इसके अंदर डाला था, तो 2 चम्मच नमक इसके अंदर हम और डाल देंगे। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे और अचार के अंदर मसाला हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। और इस तरीके से आप अचार को बनाइए तो 1 से 2 साल तक ये कभी ख़राब नहीं होगा। बस सेलन से इसे दूर रखिए और इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। चम्मच भी आप इस पर जो डालते हैं अचार निकालने के लिए तो वो भी बिल्कुल सूखा होना चाहिए। और बरसात के मौसम में और ठंडी के मौसम में 2 से 3 दिन तक इसे 1-2 घंटे के लिए धूप में रख दें तो ये अचार कभी ख़राब नहीं होगा। और इसे एक एयरटाइट डिब्बे में भर कर रखें या फिर कांच की बर्नी में या जार में इसे रखें। तो मैंने अचार को भरने के लिए एक कांच का जार रखा है और इसके अंदर हम अचार को डाल देंगे। जार हमारा बिल्कुल सूखा होना चाहिए, इसे धूप में सुखा लेना है अच्छी तरीके से साफ करके, अभी इसके अंदर हमें अचार को डालना है। मैंने जार के अंदर अचार को भर दिया है, ऊपर से ढक्कन लगा देंगे और इसे किसी सूखी जगह पर रखेंगे तो अचार हमारा कभी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अचार बनाइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने कमेंट में जरूर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।